गोयल सोइंग मशीन की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अगर आपकी मशीन जाम हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है। पहले हम आपको बताएंगे कि ये हमारी मशीन जाम हो चुकी है, ये घूम नहीं रही है, ये मशीन पूरी जाम हो गई है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मशीन की बेल्ट उठा दीजिए। अब मशीन को टेबल से निकाल दीजिए। मशीन की सुई ऊपर की साइड पे ले लीजिए। अब ये बॉबिन केस निकाल दीजिए। अब नाल के ये दो स्क्रू निकाल दीजिए। ये मशीन फ्री हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपके नाल के और शटल में कोई भी धागा फंसा हुआ है। बंद करो। अभी ये नाल की पट्टी निकाल के उसके ऊपर की पट्टी निकालिए। ये देखिए आपके शटल में ये धागा फंसा था, इसके लिए आपके मशीन जाम हो गई थी। अब हम आपको उसको कैसे साफ करके वापस लगाना वो बताएंगे। ये नाल रिंग साफ कर दीजिए जो इसके ऊपर कचरा लगा हुआ है। ये देखिए अभी कि पूरा साफ हो गया हुआ है, और ये जो खांच घिसा हुआ भाग है वो अंदर की साइड पे जाएगा, और जो ये खांचे वाला भाग है वो बाहर की साइड पे आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमने लगा दिया। अब उसके ऊपर आप नाल पट्टी लगा दीजिए। ये स्क्रू वापस लगा दीजिए। अब ये शटल लगाइए। ये शटल अभी लगा दीजिए। इसके अंदर और दो बूंद ऑयल की डाल के लगाइए। इससे आपका शटल जो है कंप्लीट स्मूथली चलने लगेगा। अब हम इनको वापस फिट करेंगे। अभी ये लगाने से पहले आपको सुई की पोजीशन है वो ऊपर की साइड पर रखनी है, वो खास ध्यान रखिएगा। और ये जो कैरियर है, कैरियर ऐसे इस साइड पे आएगा। उसके बाद में आपको शटल को सामने की साइड पे फिट करके घुमा के देख लेना है। अब जो आपके ये बड़े दो स्क्रू है वो डाल के आप शटल टाइट कर दीजिए। और देखिए अभी आपका मशीन पूरा फ्री हो गया है, मीन्स के उसमें से धागा हमने निकाल दिया और आपका शटल सही वापस बिठाया, वो कंप्लीट हो चुका है। ये बॉबिन केस लगा दीजिए और हम अभी आपको टाका गिरा के दिखाएंगे।
ये आपका मशीन, अभी हम सिलाई करके बताते हैं। ये देखिए अभी आपकी मशीन कंप्लीट सिलाई देने लगी है। आपका टाका भी कंप्लीट सही आने लगा है और आपकी मशीन कंप्लीट चल रही है। तो अगर कभी धागा फंसता है तो आपको कैसे मशीन को सेट करना है और क्या खोल के क्या सेट करना है वो सब हम आपको बताया हुआ है। अगर आपका वीडियो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।